दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तड़के सुबह दिल्ली के कई इलाकों में कभी हल्की तो कभी तेज बरसात हो रही है। इससे मौसम बेहद सुहाना हो गया, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। नोएडा में भी कई इलाकों में तेज बारिश देखी गई। बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल हो गया है, जगह जगह भरा पानी मुसीबत बन रहा है। सड़कें मानो गंदे पानी का स्विमिंग पूल बन गई हो। कुछ घंटों की बरसात ने ही नोएडा की भी पोल खोल दी। हालांकि वीकेंड के चलते जाम की स्थिति बेकाबू नहीं है। दिल्ली और नोएडा में अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट है। इससे सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। चाहे सोसाइटी हो या निचले इलाके, हर जगह बारिश से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में नए नए बने हाईवे भी जल भराव से अछूते नहीं रहे। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में NH-24 से आए पानी ने नीचे की सड़कों को समंदर बना दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 8 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना है। हल्के हल्के तापमान में बढ़त दर्ज की जा सकती है। अगले हफ्ते के अंत तक न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुँच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।